हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो 26 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ है यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो साक्षात्कार लेने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली 7 बिंदु योजना का प्रतिपादन किसने किया था। तो साक्षात्कार लेने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का 7 बिंदु योजना का प्रतिपादन प्रोफेसर ए रोजर ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सुरक्षित मुद्रा निधि का अभिरक्षक कौन है। भारत में सुरक्षित मुद्रा निधि का अभिरक्षक RBI है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, रेपो रेट किसे कहते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, जब RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूल करता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। आप लोग, मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया है, मैं जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सब वीडियो आप लोग कम से कम एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सब आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। और कई क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो कि पूछे जा रहे हैं बार बार। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो उन सब का आपको PDF मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप करना होगा, मैसेज करना होगा PDF के लिए, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे और बहुत ही मामूली चार्ज है। आप लोग वो चार्ज देकर पे करके मुझे और PDF ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, बीमा क्या है। बीमा के बारे में यहाँ बताना है, बीमा क्या है। तो बीमा सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम है, सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम है। और इसके अंतर्गत देखिए, आमतौर पर बीमा को किसी अप्रत्याशित स्थिति जैसे मृत्यु, स्थायी शारीरिक अक्षमता, व्यावसायिक उद्यम में क्षति, दुर्घटना से आर्थिक नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। और बीमा कंपनियां इन अप्रत्याशित स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रीमियम लेती है, और दावे का भुगतान पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों से संचित प्रीमियमों की राशि से किया जाता है। और बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में संचित राशि के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से आपने बीमा की क्या है वो देख लिया। और इसके बाद देखिए, पूछा गया बीमा के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर अभी लिखा नहीं है, बीमा के प्रकार मैं नहीं बता रहा हूँ। आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी पूछे जाएंगे। आप ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन ये भी पूछे जाएंगे। और इसके बाद देखिए, आगे अगला क्वेश्चन जो है वो, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है। तो महाकुंभ आप लोग जानते ही होंगे, 12 वर्ष में लगता है। और कहाँ पर लगता है, तो ये इलाहाबाद में लगता है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से इलाहाबाद हो गया है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप लोग साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया, उत्तर प्रदेश से पूछा गया, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल आप लोग जानते ही हैं, द्विसदनात्मक होता है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका हो गया है। और इसमें पूछा गया, असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज के बारे में, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये भी देखिए, क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या तो 404 होती है, 404 है, जो कि 403 चुनाव किए जाते हैं और एक एंग्लो इंडियन द्वारा इस गठन किया जाता है। और इसके बाद देखिए, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है वो, TDS क्या है। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को लिया नहीं है। आप लोग इसके लिए पीछे का जो वीडियो है वो जरूर देखें, जो क्वेश्चन रिपीटेड है। और महानगर घोषित होने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। तो महानगर घोषित होने के लिए 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की आवश्यकता होती है।
और इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, मोर है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपके यहाँ क्या प्रसिद्ध है, मतलब कि ये आपके पर्सनल इन्फो यहाँ पर पूछा गया है कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप क्या करते हैं और आपके यहाँ क्या प्रसिद्ध है, आप किस जिले में देखे रहते हैं, तो ये सब के बारे में आपको खुद से तैयारी करना होगा। और आप किस जिले में रहते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, आगमन में उपसर्ग बताइए। तो आगमन में उपसर्ग क्या होगा? आ शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो, विपणन में ब्लैक बॉक्स का किससे संबंध है? तो विपणन में ब्लैक बॉक्स का संबंध उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है, उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। तो आप इस तरह से देखिए, आज के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।